My question is, and rather my comments, if you just look at or search in the Google about the lie index, unfortunately, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है, तो we are among the top three countries, यानी इजिप्ट है और शायद वहाँ पर नाइजीरिया है और फिर पाकिस्तान भी है. So what is the reason? हम पूरी बहसित कौम, बहसित नेशन, हम झूठ बहुत बोलते हैं. जबकि आप वेस्ट में जाएं और आपसे कोई झूठ बोले तो आपका वो आपका सोशल बायकॉट करता है. तो बात ये है कि तालीम से ज़्यादा हमें तरबियत की ज़रूरत है. हम सब तालीम के मैदान में बहुत बातें करते हैं कि ये स्किल्स होनी चाहिए और इतनी लर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए. दिस वो ठीक है, बाद में होती है, मगर जो शुरू के 12 साल हैं, ये तो प्रूवन है, बाय रिसर्च प्रूवन है कि जो बच्चे के दिमाग में आप इनकलकेट करेंगे, बच्चे के लिए वो लाइफ टाइम होंगे. तो हमारे यहाँ तरबियत वाला पार्ट कहाँ है? इट्स नॉट देयर. हमारे करिकुलम में कहीं मुझे बताएं कि कहाँ भी, जहाँ भी तरबियत वाला पार्ट जो है उसमें इंक्लूड हो करिकुलम में. आप माशाल्लाह एक इदारा चलाती हैं, या हमारे बहुत सारे जो ऑडियंस में लोग बैठे हुए हैं वो भी यू नो अर्ली चाइल्ड या अर्ली एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन से डील करते होंगे. मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हायर एजुकेशन से ज़्यादा प्राइमरी एजुकेशन और अर्ली एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए. आप जैसे आपने फरमाया, मैं आपको बताऊं, हायर एजुकेशन जो एक्सेस टू पाकिस्तानीज है वो 1% है हायर एजुकेशन. और जिस तरह से आपने फरमाया पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो अगले 5 साल में ये 0.5 हो जाएगी और उससे भी कम हो जाएगी. लेकिन तालीम का मकसद सिर्फ तालीम तो नहीं है कि हमने एक कोग्निटिव स्किल अपनी डेवलप कर ली, नॉलेज गेन कर लिया, सब कुछ कर लिया. आप ये देखें कि बहसीत कौम हमारी तरबियत कहाँ पर है. पढ़े लिखे लोग ट्रैफिक रूल्स की वायलेट कर रहे होते हैं, जब वो 1 घंटे की फ्लाइट पे वो दुबई जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं. तो तरबियत कहाँ है हमारी? ना हमारे पास सफाई है, ना हमारे पास पंक्चुअलिटी है, ना हमारे पास कोई और चीज़ है. डिसिप्लिन तो कोई है ही नहीं चीज़. मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ. मैं बहुत पहले एक दफ़ा स्विट्ज़रलैंड गया था एक ट्रेनिंग पर. वहाँ पर हम एक बहुत, मैं और एक मेरा दोस्त थे, बहुत दूर एक गाँव में गए थे. इट वॉज़ वेरी नो एट टू आवर जर्नी. वहाँ पर अक्रॉस द रोड एक स्कूल था, हम एक दूसरी तरफ बैठे हुए थे, कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी पी रहे थे. देर वॉज नो ट्रैफिक ऑन द रोड ऑन ईदर साइड, बिल्कुल सन्नाटा था. तो जो दूसरा स्कूल था सामने के साइड पे, जब उसके इत्तेफाक से हमारे सामने यू नो स्कूल की छुट्टी हुई थी, तो बच्चे उस डिसिप्लिन के साथ स्कूल से निकल रहे थे कि मुझे उसी वक्त मेरे, और वो बच्चों की एज लिमिट 6 से 10 साल की रेंज में होंगे, एंड दे स्टॉप्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड until the volunteers came out from the school in a yellow jacket and they were, you know, crossing the roads for the students. So this was a type of discipline I saw there. Hamare bacche jab bade se bade school mein liye, jab chutti hoti hai to aise bhagte hain jaise ki unki koi jano jail se rihai hui hai. To tarbiyat ki zyada focus karne ki zarurat hai. Mera message yahi hai ki curriculum mein aap tarbiyat ko dale. Aur mera ye faith hai 41 years ki जो मेरी जो लाइफ है जो एजुकेशन में है, मेरा फेथ है कि जिस दिन इस कौम की तरबियत अच्छी हो गई ना, तालीम बहुत आसान हो जाएगी. तालीम में फिर झूठ का एलिमेंट निकल जाएगा. थैंक यू वेरी मच.